नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडिटिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करेंगे हरियाणा जी के और करण जी के से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आएंगे। और दोस्तों अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट है इन पर क्लिक करके आप जो आई बटन पर पहुँच जाओगे तो वहाँ पर जाकर आप हमारी पहले वाली वीडियो जो है देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक की जितनी भी वीडियो है सभी को आप देख सकते हैं। और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर हम क्विज क्वेश्चन भी करते हैं तो आप क्विज क्वेश्चन भी देख सकते हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जोर दबाएं, जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने किस नाम से एक नए विभाग को शुरू किया है? तो हरियाणा सरकार जो है इसके एक नया विभाग जो है इनके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये विभाग इनमें से कौन सा है? तो इसमें जो आंसर है ये रहेगा हमारा ऑप्शन बी, नागरिक संसाधन सूचना विभाग जो है ये हरियाणा सरकार के द्वारा एक नया विभाग जो है शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा, कोरोना वायरस के कारण हरियाणा सरकार ने स्टूडेंट्स की पढ़ाई के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये जो है यहाँ पर कौन सा मोबाइल ऐप इनमें से लॉन्च किया गया है, तो ये रहेगी संपर्क बैठक, सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा की किस पंचायत को ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है? तो इनमें से कौन सी पंचायत है जिसे ये अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है? सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, कहनौर जो है इसको 2020 के लिए जो है चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा प्रदेश की पहली टनल युक्त मंडी कौन सी बनी है? तो हरियाणा प्रदेश की पहली टनल युक्त मंडी इनमें से बनी है हिसार की, सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने कोरोना के कारण मौत का शिकार हुए लोगों के आश्रितों के लिए पहली बार एक अतिरिक्त सीट आरक्षित की है? तो ये जो एक आरक्षित सीट जो है यहाँ पर ये किस विश्वविद्यालय के द्वारा जारी की गई है? तो आरक्षित सीट इनमें से किन के द्वारा रखी गई है? तो ये रहेगी गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय के द्वारा, सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में हर महीने के किस वार को राजस्व दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ पर जो ये राजस्व दिवस है ये किस हर महीने के किस वार को मनाया जाता है? तो सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, पहले जो मंगलवार जो है इसको ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एस्टेट पास जो सर्टिफिकेट है कितने साल इसकी वैधता रहेगी? तो हरियाणा की जो सरकार है इसने हाल ही में जो है एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसमें जो एस्टेट जो है इसके सर्टिफिकेट की जो वैधता है इसको कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसमें जो आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा। तो एस्टेट की जो वैधता है, जैसे UGC नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसकी वैधता जो है लाइफ टाइम रहती है, तो इसी तरह से एस्टेट का जो सर्टिफिकेट है अब ये लाइफ टाइम रहेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में पहली बार स्टार्टअप प्रतियोगिता शुरू की गई है, तो इसके तहत इनामी राशि कितनी रखी गई है? तो ये जो इनामी राशि है ये रहेगी 5 लाख रुपये, सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक राज्य के सभी लोगों को घर मुहैया करवाने का लक्ष्य रखा है? तो हरियाणा की जो सरकार है इसने किस वर्ष तक सभी लोगों को घर मुहैया करवाने का लक्ष्य रखा है? तो यहाँ जो सी आंसर है ये रहेगा 2022 तक, सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, तो क्वेश्चन है, हरियाणा में रोड पर लोगों की सुरक्षा के लिए विंग बनाया जाएगा, तो ये विंग कौन सा है जो रोड पर
लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया जाएगा। तो इसमें जो सेंसर है ये रहेगा ट्रैफिक विंग सेंसर रहेगा, ऑप्शन सी ट्रैफिक विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम की रैंक कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम की रैंक इनमें से कौन सी है? सेंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, तो यहाँ पर चौथी जो है ये रैंक रहेगी भारतीय पुरुष हॉकी टीम की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीति आयोग के एस डी जी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष रैंक बरकरार रखी है? तो ये कौन सा राज्य इसमें से रहेगा? ये है केरल राज्य, सेंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी 3 ट्रिलियन रुपए बाजार पूंजीकरण करने वाली तीसरी भारतीय आईटी फर्म बनी है? तो इनमें से तीसरी जो है ये भारतीय आईटी फर्म इनमें से कौन सी बनी है? तो इसमें जो सेंसर है रहेगा ऑप्शन डी, विप्रो जो कंपनी है ये बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को नीति आयोग के एस डी जी इंडिया इंडेक्स 2020-21 के तीसरे संस्करण में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला घोषित किया गया है? तो इसमें जो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला जो घोषित किया गया है ये रहेगा ऑप्शन सी, बिहार राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन है न्यूजीलैंड के किस बल्लेबाज ने ये जो लॉर्ड्स में अपने पदार्पण टेस्ट मैच में सर्वाधिक स्कोर बनाने का पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली का 25 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो ये जो रिकॉर्ड है ये इनमें से किन के द्वारा तोड़ा गया है? सेंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, ये जो डेवोन कॉनवे जो है ये न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं, इन्होंने भारतीय जो कप्तान थे सौरव गांगुली इनके 25 साल पुराना जो रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट ने सतत सहकारी विकास के क्षेत्र में भारत और किन के बीच सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो इसमें जो सेंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगद प्रबंधन समाधान के लिए निम्नलिखित में से किसने महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस के साथ करार किया है? तो ये जो महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस के साथ जो करार है ये इनमें से किन के द्वारा किया गया है? तो ये रहेगा ऑप्शन डी, IPP के द्वारा। अगला क्वेश्चन रहेगा, किस देश ने वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के साथ संयुक्त वायु रक्षा प्रणाली विकसित की है? तो LAC के साथ संयुक्त वायु रक्षा प्रणाली इनमें से किस देश के द्वारा विकसित की गई है? तो यह रहेगी ऑप्शन सी, चीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मॉरिशस गणराज्य के पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का हाल ही में निधन हो गया है, तो इनका नाम क्या है? तो इसमें अगर हम देखें राइट आंसर ऑप्शन डी जो हमारा रहेगा, सर अनिरुद्ध जगन्नाथ जो है इनका हाल ही में निधन हो गया है और ये मॉरिशस गणराज्य के पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन आएगा, केंद्रीय गृह मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इनमें से कौन से इंडेक्स बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? तो ये जो बेस्ट मेगा फूड पार्क का जो उद्घाटन है ये किस राज्य में किया गया है? सेंसर रहेगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ में। और किन के द्वारा? केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारतीय नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज का नाम थे जिसे 40 वर्षों तक राष्ट्र की सेवा करने के बाद सेवा मुक्त किया गया है? तो ये रहेगा संध्यक, सेंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग में भारतीय महिला हॉकी टीम का स्थान क्या है?
अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग में भारतीय महिला हॉकी टीम का स्थान? तो ये रहेगा 9वें पायदान पर, सी आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हाल ही में हिसाब की किताब लॉन्च की है, तो ये इनमें से कौन सी एक श्रृंखला है, तो किस प्रकार की एक श्रृंखला रहेगी? और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, क्योंकि पुस्तकों जो वाला क्वेश्चन होता है ये एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि एग्जाम में पुस्तकों वाले क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो कौन सी श्रेणी की जाइए रहेगी, आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, लघु फिल्मों की एक ये श्रृंखला है, हिसाब की किताब। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में बेलग्रेड ओपन किताब 2021 किसने जीता है? तो यहाँ पर बेलग्रेड ओपन किताब 2021 ये जीता गया है नोवाक जोकोविच के द्वारा, सी आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय वायुसेना के जो हाल ही में नए उप प्रमुख इनमें से कौन बने हैं? तो ये रहेंगे बल्लभ राधा कृष्णन, सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में एशिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय स्मृति अध्ययन कार्यशाला की मेजबानी की है? तो यहाँ पर ये जो पहली अंतर्राष्ट्रीय स्मृति अध्ययन कार्यशाला की मेजबानी इनमें से किन के द्वारा जो है की गई है, तो ये रहेगी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के द्वारा, सी आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 इनमें से किन के द्वारा जीता गया है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 सी आंसर है ऑप्शन डी, डेविड डी ओप के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 हाल ही में जीता गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा, 2030 तक दुनिया का पहला CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट कहां पर खोला जाएगा? तो ये जो है 2030 तक कहां पर खुल जाएगा, सी आंसर ऑप्शन सी, स्वीडन में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा समूह हाल ही में ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए बिल गेट्स के ऊर्जा निवेश कार्यक्रम में शामिल हुआ है? तो बिल गेट्स के ऊर्जा निवेश कार्यक्रम में इनमें से कौन सा देश, कौन सा संघ जो है शामिल हुआ है, सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यूरोपीय संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विश्वामित्री नदी परियोजना को हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की मंजूरी मिली है, विश्वामित्र नदी के तट पर इनमें से कौन सा शहर स्थित है? तो विश्वामित्र नदी के तट पर इनमें से कौन सा शहर स्थित है, तो ये रहेगा ऑप्शन बी, वडोदरा शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से हाल ही में इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर 2000 अवार्ड 2021 का जीता है, तो ये किन के द्वारा इनमें से जीता गया है? तो सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा, जेरी विंड और नितिन राकेश ने हाल ही में इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है 2021 ये जीता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किसने बच्चों के लिए एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल बाल स्वराज ये जो कोविड केयर लिंक तैयार किया है? तो ये जो बाल स्वराज कोविड केयर लिंक जो है ये हाल ही में किन के द्वारा तैयार किया गया है, तो ये रहेगी NCPCR के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नीति आयोग के SDG भारतीय सूचकांक 2020-21 में इनमें से किस राज्य ने अपनी शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? तो SDG भारत सूचकांक 2020-21 में किसने अपना इसमें शीर्ष स्थान रखा है, तो ये रहेगा ऑप्शन डी, केरल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का विषय क्या है? तो यहाँ पर जो विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून को जो है प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है, तो इसकी थीम क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हाल ही में जो ये गया है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की
थीम, इसका आंसर है ऑप्शन बी। तो ये जो है यहाँ पर विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा की है कि वह किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 30 के बीच दो अभियान जो है भेजेगा। तो कौन से जो है किस ग्रह पर जो है ये दो जो अभियान हैं ये भेजे जाएंगे। तो इसमें जो सिलसिला ये ऑप्शन ए रहेगा, शुक्र ग्रह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की जो वैश्विक मेजबानी है ये इनमें से कौन सा देश करेगा। तो इसमें जो सिलसिला ये रहेगा ऑप्शन डी, पाकिस्तान देश जो है यह हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की वैश्विक मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन आएगा, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने वर्चुअली एक पहल की शुरुआत की है, तो इसका नाम इनमें से क्या है। सी आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी जो हमारे यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो से जो है इसकी जो है ये जो हमारे जो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है श्री थावर चंद गहलोत, तो इनके द्वारा जो है इसकी जो शुरुआत है ये की गई है। अगला क्वेश्चन आएगा, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जिसे पहले मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में जाना जाता था को कब से प्रदान किया जा रहा है। तो ये जो बुकर पुरस्कार जो है मैन बुकर पुरस्कार कब से इसको दिया जा रहा है, तो ये रहेगा वर्ष 2005 से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद का जो पूर्व अनुमान है ये कितना लगाया है। तो पूर्व अनुमान की अगर हम बात करें तो ये रहेगा 9.5%, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारतीय जो रिजर्व बैंक है इसकी मौद्रिक नीति 4 जून 2021 के अनुसार वर्तमान में रेपो दर कितनी है, तो यह रहेगी 4.0%। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, फोर्ब्स की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में सबसे अधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची में किस एकमात्र भारतीय खिलाड़ी को 197 करोड़ रुपए कमाई के साथ 59वां नंबर प्राप्त हुआ है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी, वो ये जो भारतीय क्रिकेटर है विराट कोहली, इनको जो है 197 करोड़ रुपए के जो कमाई के साथ 59वां नंबर प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के हरियाणा जी के और करंट जी के से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जोर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाले जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।